Hi friends, welcome to the day. देवा इंग्लिश पकड़ कलाम फ्रेंड्स हाउ आर यू वेल ना फ्रेंड्स, आजकल मैं आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम में आने वाली 10वीं की बोर्ड के एग्जाम में आने वाली क्वेश्चंस के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैंने रीराइट एज डायरेक्टेड वाले जो स्टेप्स आते हैं, जो कॉलम आते हैं, उसमें किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ मैंने पढ़ाया है आपको. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू चेंज द स्पीच. इससे पहले भी मैंने नरेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं. अगर आपको अच्छी तरह से नरेशन सीखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और उसमें नरेशन सीख लीजिए अच्छी तरह से. बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उसमें समझाया हुआ है सारा का सारा नरेशन, मिस स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके फ्रेंड्स, बट जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं थोड़ा अलग वे में दिया रहता है, लेकिन उसको बनाना कैसे है वही आज हम सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. ये क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन को देखो, आप इसमें लिखा है कि चेंज द स्पीच. ओके फ्रेंड्स, नीचे नेम लिखा हुआ है कि हेमा एंड फादर, हेमा और फादर में बात हो रही है. ओके फ्रेंड्स, और नीचे लिखा है बिगिन लाइक दिस में हेमा टोल्ड हर फादर. तो चलिए इसको हम आगे बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम आगे इसको बनाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हेमा बोलती है, हेमा I lost my credit card last morning. मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया, मीन्स मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया पिछले सुबह को. तो फादर बोलता है, Have you informed to the bank? क्या आपने बैंक वाले को इन्फॉर्म किया, कर दिया है? ओके फ्रेंड्स, छोड़िए इसको हिंदी, इसका मतलब समझना अभी अलग बात हुआ, लेकिन इसका इंग्लिश हम स्पीच चेंज कैसे करेंगे. तो ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जैसा कि डायरेक्शन दिया हुआ है कि हेमा टोल्ड हर फादर, तो यहां पर जिस वे में लिखा है हम उसी वे में चेंज नहीं करेंगे इसको, बल्कि इस वे में चेंज करेंगे कि हेमा टोल्ड हिज फादर. क्या पूछा, क्या बोला उसने, हेमा ने अपने पिताजी से क्या कहा कि आई लॉस्ट माई क्रेडिट कार्ड लास्ट मॉर्निंग. तो यहां पर आई है तो हेमा बोल रही है अपने लिए आई, तो आई का यहां पर शी हो जाएगा. तो शी से पहले यहां पर हम दैट लगाएंगे, That, क्योंकि नरेशन में दैट लगता है, दैट शी, आई के लिए शी लिखेंगे क्योंकि हेमा बोल रही है, वो अपने लिए बोल रही है इसलिए आई जो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. तो शी, अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सेंटेंस, तो उसका हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो शी हैज लॉस्ट, अभी माई के लिए क्या हो जाएगा, हेमा के लिए है, इसके लिए यहां पे हर हो जाएगा, हर क्रेडिट कार्ड लास्ट मॉर्निंग, मीन्स इसको हम प्रीवियस मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, प्रीवियस मॉर्निंग. ओके फ्रेंड्स, यहां पे मॉर्निंग है. तो क्या हुआ, हेमा टोल्ड हर फादर दैट शी हैड लॉस्ट हर क्रेडिट कार्ड प्रीवियस मॉर्निंग. ओके फ्रेंड्स, ये चेंज हो गया. अब ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से चेंज करना नहीं पता हुआ कि किसमें किसको किसमें चेंज करता है, तो आप मेरा नरेशन वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख लेना, पूरा विस्तार से इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है सारे के सारे टेंसेस के. ओके फ्रेंड्स, इसमें मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि बस इसको चेंज कैसे करना है. उसके बाद क्या है, फादर पूछ रहा है हेमा से कि हैव यू इन्फॉर्म टू द बैंक, क्या आपने बैंक वालों को इन्फॉर्म कर दिया है. तो ये क्या हुआ, पूछ रहा है. सो फादर Asked, पूछा किससे, हेमा से, हेमा. अब यहां पर इंटरोगेटिव है, तो स्पीच में इंटरोगेटिव का जब सेंटेंस आता है यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें हम दैट नहीं लगाते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. यहां पर हम यूज कर रहे हैं इफ का, इफ, और उसके बाद यह सेंटेंस जो है ये इंटरोगेटिव में ना होकर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंस चेंज करने के साथ साथ यहां पर हैव है तो हैड हो जाएगा. तो यू, इफ यू के लिए किसके लिए बोला जा रहा है, यू, हेमा के लिए, तो शी, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड टू बैंक. ओके फ्रेंड्स, अब हेमा बोलती है, हेमा, तो हेमा बोलती है मतलब जवाब देती है, हेमा रिप्लाइड,
या हेमा हेमा टोल्ड हिज फादर, ऐसा भी बोल सकते हैं हिज फादर। ओके, पॉजिटिवली मीन्स यस, पॉजिटिवली मीन्स हाँ में जवाब दिया। इसके बाद दैट लगाएंगे, दैट अब यहां पर आई हैव ऑलरेडी डन इट मीन्स हेमा बोल रही आई है तो हेमा के लिए सी हो जाएगा। तो शी हैड ऑलरेडी डन इट का दैट हो जाएगा, या इट भी लिख सकते हैं हम, इट दैट डन दैट। ओके फ्रेंड्स, अभी फादर बोलते हैं, फादर क्या बोलते हैं, इट्स ओके डोंट गेट अपसेट। तो फादर क्या करते हैं, फादर टोल्ड हेमा टू नॉट टू गेट अपसेट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद खत्म, यही है। तो इस तरीके से चेंज करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहां पर नाम लिखा है यहाँ पर हेमा फादर, हेमा फादर, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। मीन्स होता क्या है कि जब कोई सिखा रहा होता है, टीचर किसी स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक एक सेंटेंस अलग अलग लिख कर सिखा रहा होता है कि राम सेड टू मोहन ही विल नॉट गो टू मुंबई, हाउ टू चेंज द स्पीच। तो राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड नॉट गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से बताया जाता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कन्वर्सेशन एक कन्वर्सेशनल रूप में दे दिया है, वे में दिया है, इसलिए थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे, किससे कौन कौन बात कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। इसलिए ये मैंने आपको बताया, ज़रूरी था बताना, मुझे ज़रूरी लगा इसलिए बता दिया। अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस वे में चेंज करेंगे। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होगा कि ये मतलब चेंज कैसे करना है, मीन्स कौन सा टेंस में किसको चेंज करेंगे और क्या रहेगा तो क्या बदलेंगे उसको, तो अगर ये समझना है तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और नरेशन वाले में जाइए, जो स्पीच है नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें जाकर आप अच्छी तरह से आप देखिए, सारे वीडियो देखिए पूरी तरह से, बिल्कुल विस्तार से मैंने उसमें समझाया है, सिखाया है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।